नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रेकी में हाथों की पोजीशन कैसी हो ये बताऊंगी। रेकी में फर्स्ट लेवल के साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो बेसिक चीजें जो होती हैं, वो होती है हाथों की पोजीशन कैसी हो। कुछ टिप्स आज आपको बताऊंगी जिससे कि आपकी रेकी हीलिंग कई गुना बढ़ जाए, आपकी रेकी हीलिंग को आप महसूस भी कर पाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि रेकी करते वक्त आपने हाथों को कैसे रखना है, क्या पोजीशन आपको हाथों की देनी है। तो सबसे पहले शुरुआत, रेकी कभी भी फ्लैट हैंड्स से आपको नहीं करनी है। रेकी करते वक्त ऐसी हथेली ना रखें कभी भी। रेकी में हमेशा याद रखें, यहां से एनर्जी फ्लो होती है। तो आपको रेकी करते वक्त अपने हाथों को हमेशा कप कप इस फॉर्म में रखना है। कहीं भी हीलिंग किसी को दें, क्योंकि अगर मान लीजिए आप यहाँ हीलिंग दे रहे हैं, यहां से एनर्जी निकल रही है, आपने ऐसे बंद कर दिया तो ठीक से एनर्जी नहीं जाएगी। आपको ऐसे रखना है, इस तरह से। रेकी करने का पोज जो हाथों का होता है वो ये पोज होता है। तो आपको रेकी हमेशा कप फॉर्म में करनी है। दूसरी चीज, जब भी रेकी करें अपनी उंगलियों को जोड़ के रखें। कभी भी हाथों में ऐसा ना रखें कि इस तरह से उंगलियां हैं या ऐसे उंगली, ऐसे नहीं। हाथों को, अंगूठे को जोड़ के रखें। हीलिंग करते वक्त हमेशा ऐसा हाथ रहे, यूं रहे, उंगलियां जुड़ी हुई रहे, ताकि एनर्जी लीक ना हो, इधर से उधर से एनर्जी लीक ना हो। हमेशा आपको उंगलियां जोड़ के रेकी हीलिंग देनी है। खुद को भी ऐसे ही हील करना है, दूसरों को। तीसरी चीज, जब भी रेकी सिंबल बनाएं, यहां से सिंबल ड्रॉ करने की कोशिश करें। सिंबल हम उंगलियों से भी ड्रॉ कर लेते हैं, पर सबसे अच्छा होता है जब हम सिंबल यहां से ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि यहां से एनर्जी फ्लो हो रही है। जब आप सिंबल ड्रॉ करें तो आपने ऐसे करके सिंबल यहां से ड्रॉ करना है। कोशिश करिए कि इस फ्लो से आप सिंबल्स को ड्रॉ कर पाए। तीसरी चीज, जब भी सिंबल बनाए तो कोशिश ये करें कि सिंबल बहुत बड़ा ना, ऐसे बड़ा सा ना बनाए कि हाथ के बाहर जाए। छोटा सिंबल बनाए कि आपके हाथ में समा जाए। जैसे आपने चौकोरे बनाना है तो ऐसे यहां से आप बना रहे हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे छोटा, मतलब आपके हाथ में पूरा सिंबल समा जाए। बहुत बड़ा ऐसा अव्यवस्थित टाइप का नहीं बनाना है, आपको साइज वही रखना है कि आपके हाथ में सिंबल समा जाए। इस तरह आपको हाथों की पोजीशन रखनी है, ऐसे सिंबल बनाना है। दूसरी चीज, जब भी आप रेकी हीलिंग मान लीजिए कर रहे हो, तो रेकी हीलिंग करते वक्त दोनों हाथों को एक साथ कभी ना उठाएं। एक मान लीजिए ऐसे आप हील कर रहे हैं तो दोनों हाथों को एक साथ अलग ना करें, उससे रेकी डिस्कनेक्ट हो जाती है। आपको क्या करना है, मान लीजिए आप ऐसे हीलिंग कर रहे हैं, आपने पहले एक हाथ उठा के यहां रखा, फिर दूसरा उठा के यहां रखा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम हीलिंग करते वक्त ना कुछ फील नहीं होता। उसका कारण यही होता है कि रेकी एनर्जी डिस्कनेक्ट हो जाती है। जैसे ही आपने दोनों हाथ हटा लिए, अक्सर रेकी एनर्जी डिस्कनेक्ट हो जाती है। आपको मालूम नहीं है, आप फिर भी हीलिंग किए जा रहे हैं, इसीलिए आपको महसूस नहीं हो रही। तो आपने क्या करना है, ऐसे हाथ रखें, एक हाथ यहां रखा, फिर दूसरा हाथ यहां रखा। जब भी आगे पॉइंट पे बढ़े ऐसे ऐसे, मतलब इससे रेकी एनर्जी डिस्कनेक्ट नहीं होती और आपके हाथों में फ्लो चलता ही रहता है। तो इस तरह ये हैं छोटी छोटी चीजें जिनको हमको रेकी हीलिंग में याद रखना चाहिए। अपने इन पाम चक्रा को नमक से भी आपको धोना है। अगर आप अपने पाम चक्रा को एक्टिवेट रखना चाहते हैं, हैंड चक्रा को एक्टिवेट, तो इसको नमक से ऐसे धो लिया करें। कम से कम एक आध बार नमक से धोएं तो कोई भी निगेटिविटी जो आपके हैंड चक्रा में इकट्ठी होगी वो क्लीन होनी शुरू हो जाएगी। जब भी रेकी सेशन करें, डिस्कनेक्ट करने का मेथड आपको कोर्स में सिखाया जाता है, आप रेकी को डिस्कनेक्ट करें, उसके बाद अपने हाथों को साबुन से जरूर धो लें, तो उससे रेकी फ्लो होना बंद हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि दिन भर आपके हाथों से फ्लो होती रहे, फिर आपको वीकनेस फील होने लगेगी। तो ये चार पांच छह चीजें होती हैं जो कि हाथों की पोजीशन रख के, हाथों को धोकर हम अपनी रेकी एनर्जी को अच्छा रख सकते हैं। हीलर्स को लेवल वन से ही ये सारी चीजें ध्यान देनी चाहिए। इन सारी चीजों पे जब आप ध्यान रखेंगे तो न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी हीलिंग में आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। ये है छोटी छोटी बेसिक टिप्स जो रेकी में हर हीलर को मालूम होनी चाहिए। आप कुछ और रेकी के बारे में जानना चाहें या रेकी मुझसे सीखना चाहें तो आप मुझे मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।